हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े की फायरिंग, घायल साले की मदद करने पर बहनोई के घर के बाहर आकर बरसाई गोलियां। शहर के मंडोर थाना अंतर्गत लाल सागर दिलीप नगर में आज सुबह एक घर के बाहर बाइक पर आए दो बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग से पहले फोन पर जान से मारने की धमकियां दी गई, फिर घर पर पहुंचकर डराने के इरादे से फायरिंग की। फायरिंग की इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे और जिले भर में नाकाबंदी के आदेश जारी किए। फिलहाल बदमाश हाथ नहीं लगे हैं। दोनों बदमाश लोहावट थाने के हिस्ट्री शीटर बताए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों में उनकी ये हरकत कैद हो गई है। पुलिस ने बताया कि लोहावट क्षेत्र के भीमसागर क्षेत्र में नरेगा पर गए सोहन राम विशोई पर रविवार को गाड़ियों में आए कुछ बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसे उपचार कर जोधपुर लाया गया। उसका एक बहनोई बिरमा राम विशोई यहाँ लाल सागर दिलीप नगर में रहता है। घायल साले को इलाज के लिए जोधपुर लाने पर हमलावरों ने आज सुबह पहले उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां दी, उसके बाद लाल सागर दिलीप नगर क्षेत्र स्थित घर पर आकर फायरिंग की। पीड़ित बिरमा राम विशोई ने बताया कि आज सुबह वो अपने घर पर था, तब लोहावट के महिपाल विशोई और रिचपाल सिंह ठाका ने उसको फोन किया। उन्होंने कहा कि सोहन लाल को बचाने और इलाज के लिए तो उसे जोधपुर लेकर आया है, अब तेरा भी वैसा ही हाल करेंगे। इस धमकी की सूचना उसने तुरंत मंडोर पुलिस को दी, लेकिन मंडोर पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही हमलावर उसके घर पर आ गए और फायरिंग करके उसको ललकारा, लेकिन वो और उसके परिजन बाहर नहीं आए। तब हमलावर दहशत फैलाने की नियत से फायरिंग करके मौके से भाग निकले। फायरिंग की सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव, एसीपी राजेंद्र प्रसाद दिवाकर, मंडोर थाना अधिकारी दिलीप खदाव सहित अन्य थाना अधिकारी मौके पर आ गए। मौका मुआयना के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश आरंभ की गई है। क्या मामला हुआ? वो कल मेरे साले को फायरिंग हुई थी लोअर थाने में, और उसको मैं हॉस्पिटल ले गया यहाँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो हॉस्पिटल क्यों लाए, तेरे को मारेंगे। तो मैंने सोचा ऐसे करते होंगे, कल भी फ़ोन किया, आज सुबह किया, बोलो 10 मिनट आ रहे तुझे मार देंगे। कहाँ हो तो? मैंने कहा घर पे हूँ भाई। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, इतने वो तो आ गए, आके धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे, गाड़ी बोल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये कह रहे हैं कि कल लोअर पुलिस से क्या करवा दिए, पुलिस तो लोअर वाली हमारी खुद की है। पर अभी जो SP साहब आए हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हमारी कार्रवाई होगी। CI साहब है, डिप साहब है, बिल्कुल ईमानदार आदमी है, और हमारी पूरी कार्रवाई होगी। इसमें कोई कौन लोग थे, क्या आपकी कोई दुश्मनी? वो एक महिपाल था, एक वो भाई रिचपाल खींचे ढाका था, और दोनों स्ट्रीट शीटर है, बदमाश है, धंधा करते हैं, हथियार की तस्करी करते हैं। जबकि मेरी तो इनसे कोई रंजिश है नहीं, रंजिश तो मेरे साड़ा की थी, उसको मैं हॉस्पिटल ले आया जरूर, और हॉस्पिटल लाऊंगी यार क्या करूँ मैं, मेरा साड़ा लाऊंगा ही, हमारे तुम्हारे क्या करें, मेरे रिलेटिव है, रिश्तेदार है, खाना पे हॉस्पिटल लाऊंगा ना। पर कुल मिला के लोअर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कर नहीं रहे, कतई नहीं कर रहे हैं। वही वो ये करवाई वही रहे सब कुछ, क्योंकि वहाँ सरेआम वे हथियार लेके घूमते हैं, सरेआम डोडे अफीम का धंधा करते हैं, पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं करते उन लोगों को। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।